उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने देवपुरा चौक से ढोल नगाड़ों की थाप पर भव्य रोड शो किया। इसके बाद वे मातृ शक्ति के सम्मान के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार को 1168 करोड़ की 158 परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, वो हमारी मातृशक्ति का प्रतिफल और आशीर्वाद है। आप माताओं बहनों की जो अपेक्षा है, उसको हम पूरा करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी मातृशक्ति ने हमें आगे बढ़ना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है कि महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को उन्नत रूप से विकसित हो। हम आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित कर रहे हैं। हरिद्वार में भी ये कार्य चल रहा है, इसके लिए हरिद्वार की सराहना करता हूं। मां गंगा को भी नमन करता हूं कि आज हमको ये मातृशक्ति महोत्सव मां गंगा के तट पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जिसमें 1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की संपूर्ण जो सीवरेज व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से 583 करोड़ की स्वीकृति परियोजना का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं से जहां हरिपुर कला, भूपतवाला, भीमगौड़ा, हरकी पैड़ी, मायापुर, कनखल, ऋषिकुल, ज्वालापुर, आवास विकास कॉलोनी, गोविंदपुरी, जगजीतपुर सहित अन्य क्षेत्रों को सीवरेज सहित पेयजल, पार्किंग आदि की जो समस्या है, उस समस्या से इन योजनाओं के पूरा होने पर निजात मिलेगी, लोगों को सुविधा होगी। भाइयों बहनों, आज जिन योजनाओं का भी यहाँ पर आप सबके समक्ष लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारी मातृशक्ति का ही प्रतिबल है, उनका ही आशीर्वाद है।